हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही उपयोगी प्रोडक्ट जिसको इलेक्ट्रिक हॉट वाटर बैग या इलेक्ट्रिक हॉट वाटर जेल बैग भी बोला जाता है, हालांकि इसके अंदर जेल नहीं होता है, फिर भी इसको इलेक्ट्रिक हॉट वाटर जेल बैग भी बोल देते हैं, तो इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ये कैसे काम करता है और अगर इसमें कोई कमी आ जाती है तो हम उस कमी को कैसे दूर करेंगे, ये बहुत सारे टॉपिक जो हैं इसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस तरह का जो हॉट वाटर बैग है इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में, अगर हमारे बॉडी में पेन है जैसे ज्वाइंट पेन या मसल्स पेन है, या सर्दियों में जब ज्यादा सर्दियां होती है तो इससे हम सिकाई भी अपने बॉडी की कर सकते हैं। तो ये जो वाटर बैग है इसको इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ये एक एडाप्टर है, इसका एडाप्टर केबल जिसको हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट कहाँ करना है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक सॉकेट लगा हुआ है जिसमें हम जो एडाप्टर है एडाप्टर को प्लग कर देते हैं। इस तरह से इसको हम सॉकेट में कनेक्ट कर लेंगे और इसके बाद इसके अंदर जब हम इसको कनेक्ट कर लेंगे तो इसको मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे। अब इसमें कुछ अच्छाइयां हैं, सबसे अच्छी चीज ये है कि इसको कनेक्ट करने के बाद 5 से 8 मिनट बाद ये जैसे ही हमारा वाटर बैग गर्म हो जाएगा, इसके अंदर का जो वाटर है या लिक्विड है वो गर्म हो जाएगा तो ये अपने आप कट ऑफ हो जाएगा। तो कट ऑफ होगा तब ये जो इंडिकेटर इसमें ग्लो हो रहा है ये इंडिकेटर ग्लो होना बंद हो जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि इसके अंदर का लिक्विड गर्म हो गया है, अब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पे आपको इस्तेमाल करने में मुख्य जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जब ये हमारा वाटर बैग जो है मेन सप्लाई से कनेक्ट हो तो इसको हमको टच नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इसको टच करेंगे तो हो सकता है हमको शॉक लग सकता है, उसका कारण मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो जो सबसे सावधानी की बात है कि जब भी इसको हम प्लग करें तो इसको हम हाथ से टच नहीं करें, जब हम इसका प्लग जो है मेन सप्लाई से निकाल दें उसके बाद इसको हम टच कर सकते हैं। तो ये तो हो गई सावधानी रखने वाली बात। अब इसका हम जो एडाप्टर प्लग है इसको निकाल देते हैं और थोड़ा सा देख लेता हूं मैं कि क्या ये इसके अंदर का वाटर जो है वो गर्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहां पे इसका प्लग मैंने इस तरह से निकाल दिया है, चूंकि ये अपने आप कट ऑफ हो जाएगा 5 मिनट बाद, लेकिन मैं पहले ही निकाल देता हूं। यहां पे ये मुझे महसूस हो रहा है कि ये काफी गर्म हो चुका है इसके अंदर का लिक्विड। तो ये जो वाटर बैग है इस वाटर बैग के अंदर ऐसा क्या है, ये कैसे काम करता है, ये भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे कि इसको रिफिल करने के लिए यहां पे एक ये पॉइंट दिया हुआ है जहां से हम इसको रिफिल कर सकते हैं या इसके अंदर का लिक्विड जो है उसको बाहर कर सकते हैं। ये जो आप पॉइंट देख सकते हैं यहां से इसको हम निकाल के और इसके अंदर का जो लिक्विड है उसको देख पाएंगे। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं कि इसके अंदर वास्तव में जेल है या हमारा नॉर्मल वाटर इसमें भरा हुआ है। तो इसको मैं इस तरह से चिमटी की सहायता से निकाल देता हूं और इसको निकालने के बाद हम लोग देख पाएंगे कि इसके अंदर जो लिक्विड है वो क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके अंदर लिक्विड जैसा जो तरल दिख रहा है वो वाटर ही है, यानी पानी है, हालांकि इसमें कुछ मिला हो सकता है क्योंकि जब भी हम इस तरह के वाटर बैग परचेज करते हैं तो इसके अंदर जो लिक्विड है वो भरा भरा हमको मिलता है, इसको हमें खुद नहीं भरना होता है। तो अगर ये वाटर बैग आपका सही से काम नहीं कर रहा है, सही से गर्म नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में आप इसके अंदर का जो लिक्विड है वो लिक्विड आप चेक करेंगे तो वो गंदा सा दिखेगा आपको, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोड्स जो है इसमें वो घुलते रहते हैं पानी में, तो ऐसी स्थिति में इसका अंदर का जो लिक्विड है वो गंदा दिखाई देता है, तब ये कम गर्म होता है। तो अब हम इसका एडाप्टर जो है एडाप्टर को भी देखेंगे खोल के कि इसके अंदर क्या है, ऐसा कुछ इसके अंदर जो भी है वो हम देख पाएंगे। तो यहां पे इस तरह की वाटर बैग को मैंने आपको बता दिया कि ये अगर सही से गर्म नहीं हो रहा है तो इसका हमें लिक्विड भी चेक करना है, और इस वाटर बैग के अंदर कोई स्पेशल मशीन नहीं लगी है, कोई एलिमेंट नहीं लगा है। यहाँ पे अभी हम इसका एडाप्टर जो है एडाप्टर को खोल के देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका ये एडाप्टर है, एडाप्टर में दो वायर्स आप देख पाएंगे, इसका जो प्लग है 2 पिन प्लग है, तो यहाँ पे दो वायर्स हैं अर्थ और न्यूट्रल, ये दोनों वायर्स हमारे डायरेक्ट नीचे वाले पॉइंट्स में गए हैं और एक वायर हमारा इसमें एक रेजिस्टेंस और एलईडी इंडिकेटर लगा हुआ है जो कि ऊपर वाले पॉइंट पे गया है। तो यहाँ पे इस वाटर बैग में जो गर्म करने वाली चीज है वो कैसे गर्म होती है, तो यहाँ पे इस वाटर बैग में कोई एलिमेंट नहीं लगा हुआ है, इस वाटर बैग में दो इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि हमारी मेन सप्लाई से डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं, जिनमें से एक इलेक्ट्रोड जो है वो थर्मोस्टेट रिले इसमें लगा हुआ है, एक थर्मल कट ऑफ रिले लगा हुआ है जिसके साथ कनेक्ट रहता है। जब इसके अंदर का पानी जो है ज्यादा गर्म हो जाता है ऐसी स्थिति में थर्मल कट ऑफ जो है वो कट ऑफ कर देता है, एक इलेक्ट्रोड पे सप्लाई कट कर देता है, तो जब सप्लाई जानी बंद हो जाती है तो यहां पे अंदर का पानी गर्म होना बंद हो जाता है, तब हमको पता चल जाता है कि अब ये गर्म हो चुका है और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के इसमें थर्मल कट ऑफ
का फंक्शन दिया हुआ है, और यहां पे इसके अंदर डायरेक्ट दो इलेक्ट्रोड्स हैं, और जो इसके अंदर पानी है वो पानी एक एलिमेंट की तरह काम करता है, पानी जो है खोलता है। जैसा कि आपने पहले देखा होगा कि जो हमारे इमर्सन वाटर हीटर आते थे, तो इनमें एक तो ये हमारे इमर्सन हो गए जिनमें एलिमेंट होते हैं, दूसरे इमर्सन आपने देखे होंगे जिसमें दो प्लेट्स होती थी और उनको हम पानी में डुबो देते थे तो वो हमारे पानी को गर्म कर देता था। तो कुछ इस तरह का इसमें सिस्टम होता है। तो चूंकि इसके इलेक्ट्रोड्स जो है पानी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं, पानी के संपर्क में रहते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा खतरनाक है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको इसको जब भी प्लग किया हुआ है इसको टच नहीं करना है। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक हॉट वाटर बैग के बारे में काफी कुछ जानकारी मिल गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आपका कोई सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।